नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दान देने से क्या फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, भागवत गीता में भी लिखा है कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव फलदायी होती है। अगर आप किसी दूसरे की सच्ची भावना और सच्ची लगन के साथ सेवा करते हो बिना किसी लोभ लालच के, तो उसकी निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था, उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है, क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है, और यदि होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है आत्मा के साथ। अब राजा ने अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखा। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा को सभी जो मंत्री थे और जो विद्वान थे राजा के दरबार में, सब निरुत्तर हो गए। उनके पास तो इस चीज़ का कोई उत्तर नहीं था, यानी कि वे राजा के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि जो मेरे सारे राज्य में यह डिंडौरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरे भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में डिंडौरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। डिंडौरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में पड़ी, तो वह तुरंत भागता हुआ धन के लालच में राजा के पास महल में पहुंच गया और बोलता है कि राजा साहब, मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, जो कि उनके सिपाही थे, उनको आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जो चल देते हैं अर्थी पर बिठाकर। रास्ते में एक भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का जो दोस्त होता है, उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी धन है वह मुझे दे दो, अब उस धन का क्या होगा। बार बार यही बोलकर भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाई जा रहा था। आखिर कंजूस आदमी जब एकदम उससे परेशान हो गया, तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों, जो छिलके पड़े हुए थे उनके ढेर में से एक मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहाँ से चला गया। बाद में कंजूस ने, जो कंजूस आदमी था, उसको एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। तभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। उधर सांप जैसे ही कब्र में
घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते का रुकावट बनकर जो उसमें फंस जाते हैं, सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता है। सांप लौट फिर से मतलब बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन जब वह नहीं घुस पाता है तो वह वापस चला जाता है। तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है कि इन्हीं छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है, शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया, जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी सिपाही बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस आदमी को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने के लिए कहा। कंजूस ने राजा के सिपाहियों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की इस हरकत और दयालुता को देखकर जो कि कंजूस आदमी था, तो भिखारी यह देखकर अवाक रह जाता है और गांव के लोग भी बहुत हैरान होते हैं कि इतना कंजूस आदमी। भिखारी सोचता है कि इसे मैं मांगते मांगते थक गया, तब तो इसने कुछ नहीं दिया, इतना कंजूस आदमी कैसे अपनी सारा धन ऐसे बांट रहा है। इसके बाद अंत में कंजूस को राजा के दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है और दान करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे दान करना सब धर्मों में श्रेष्ठ है। दोस्तों तो आपको कैसी लगी कहानी? अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।